गुड़गांव के कतूरिया अस्पताल में ब्लूवर्ड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ब्लूवर्ड 3 वर्षों से दिल्ली पटपड़गंज में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से एक अलग पहचान बनाए हुए है, जिसकी पहली फ्रेंचाइजी गुड़गांव के कतूरिया अस्पताल में खोली गई। ब्लूवर्ड आहार, पंचकर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। ब्लूवर्ड अकेडमी से डिप्लोमा भी किया जा सकता है। पेश है RBM News India की विशेष रिपोर्ट। Myself Rekha Kathuria, I'm owner of this hospital and today we are going start this Panchkarma and the dietitian Suman is going to start this Panchkarma in our hospital associated with the Blue Bird that is running from last so many years and very established branch Blue Bird. And the dietitian Suman is going to associated with that, and we are associated with the Suman. And the Suman is here from last so many years. She's with us. And Panchkarma, जो कि मैं समझती हूँ कि आज की डेट में एक नीड है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, फैटी, आजकल जंक फूड खाने से लोग बहुत मोटापे को गेन करते जा रहे हैं, तो इन सब को देखते हुए हमें लगता है कि हम एलोपैथी में तो जा ही रहे हैं, एलोपैथी के साथ साथ हम लोगों को इस थेरेपी में भी जाएं तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, जैसा कि मैंने बहुत जगह से सुना था और मैंने खुद भी मुझे बेसिकली हमारे जो है ब्लू बर्ड कई तरह से दो तरह से फ्रेंचाइजी देता है, एस्थेटिक्स और पंचकर्म की। ठीक है, यहाँ पर हमने पंचकर्म का विंग स्टार्ट किया है विद डाइटिशियन सुमन। ठीक है, यहाँ पर हम थेरेपीज बेसिकली ऊर्ध्वर्धनम, शिरोधारा, सर्वांगधारा, नवरा किसी पोटली, केरलीय पंचकर्म, हम ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे नॉन इन्वेसिव, क्योंकि बिकॉज वी बी नो दैट वी आर अ डाइटिशियन, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर दैट इज अपन पंचकर्म सेंटर इन द सौम्या। ओके, सो द थिंग इज यहाँ पर मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप डाइटिशियन हैं या आप किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ डाइट से ही क्योर ना किया जाए, बल्कि थेरेपी टॉपिकल लेवल से भी हम बात की जाए, क्योंकि जब बॉडी को एक इनर स्टिमुलेंट और आउटर स्टिमुलेंट दोनों मिलता है तो बॉडी जल्दी क्योर करती है। हमारा जो मोटिव है फ्रॉम दिस, चाहे वो सेंटर है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो पेशेंट को टोटली क्योर करने का है। ठीक है, टोटली क्योर तभी हो सकता है जब आउटर और इनर स्टिमुलेशन मिले। ठीक है, तो दैट्स वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोसीजर दैट डिपेंड, जो कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दैट अगर कफ प्रकृति है तो हम ऊर्ध्वर्धनम ज्यादा रिकमेंड करेंगे, अगर किसी की वात प्रकृति है तो हम ऑयलिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ड्राइनेस रहती है बॉडी की। ठीक है, पित्त प्रकृति है तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे हर प्रकृति में डाइट का बहुत रोल होता है, तो नाड़ी परीक्षण हो गया, ठीक है, जितना भी प्रकृति एनालिसिस हो गया, ठीक है, वो सब चीजें हम सुमन को हम यहाँ पर पूरी तरह से हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से इसको रन कर सके। इनके साथ जो है आशा लता जी जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर वो भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो यहाँ पर करेंगी, शी इज अ वेरी नाइस, उन्होंने भी कई पेशेंट्स को ठीक किया है, मतलब शी इज अ वेरी नाइस एंड बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर भी वो सारी शुरू करना चाहते हैं, जो कि हमारी ब्रांच जो है हमारी रीजनल सेंटर मुबर पटपड़गंज में होती है। सर यहाँ भी अभी आपने देखा होगा कि जो भी कुछ स्टार्टिंग स्टार्ट करता है उसको थोड़ा मतलब नीचे से स्टार्ट करेगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसको इतना ना तो हाई लेवल पे लिया जाए और ना इतना भी कि हम लॉस में चले जाएं, इतना मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल प्राइसेस होंगे हमारे। मेरा पूछने का वही मतलब था कि जो आम लोग भी आ सकते हैं, देखते हैं, मगर वो पहुंच नहीं पाते क्योंकि जो ब्रांचेस ऑलरेडी होती है उनके प्राइस बहुत हाई होते हैं, तो ये संस्था के अंदर ऐसी ब्रांच खुली, ऐसी सुविधाएं मिल रही है तो उनको उस तरीके का पैसे का भी वो देखिए, जो और जगह खुली हुई है वो एक स्पा खुले हुए हैं, जो या फिर बड़ी बड़ी जगहों पे खुली है, लेकिन जो हमारा ये सेंटर खुला है ये हॉस्पिटल के अंदर है, तो अब ये तभी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल का क्राउड कैसा होता है, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब परेशान होकर आता है, हम चाहते हैं कि उसको उसी तरह की मतलब फैसिलिटी दी जाए कि वो इतना अफोर्ड कर सके और क्योर भी हो सके, हर तरह से क्योर होना भी इम्पोर्टेंट, मतलब मेडिसिन तो वो ले रहा है लेकिन उसको और तरह से हम लोग जो हमारे जो शरीर हम पंचतंत्रों से बना हुआ उससे हम लोग उसे क्योर कर सके।
तो मैम आपकी क्या भूमिका रहेगी यहाँ? मेरी भूमिका होगी, एक तो मैं उनको डाइट प्रोवाइड करूंगी और वो है जो थेरेपिस्ट करेगी उसको भी बताना मुझे होगा कि मतलब करेगी तो वही, लेकिन प्रोटोकॉल्स तो मैं ही बनाऊंगी ना, और जो हमारे साथ है डॉक्टर्स भी जुड़े हैं जैसे डॉक्टर आशा रानी, डॉक्टर रश्मि सुधा, ठीक है, और डॉक्टर अबू जैद, यही इज एन एलोपैथिक डॉक्टर, और बाकी सब आयुर्वेद डॉक्टर हैं, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन पंचकर्म थेरेपीज। सो ये चीज जो है हमारे डैशबोर्ड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, जो ताकि हम हर पेशेंट का कंसल्टेशन सबसे पहले डॉक्टर के थ्रू करा के उसके बाद जो प्रोटोकॉल डाइट के साथ कंबाइन करके फिर पेशेंट को प्रोवाइड करें, ताकि उसे ओवरऑल उसे जगह जगह ना जाना पड़े कि डाइट के लिए अलग जगह जाना पड़ रहा है, थेरेपी के लिए अलग जगह, एक ही जगह पर उसे सारी चीजें प्रोवाइड। यही ब्लू बर्ड का मोटो है, ठीक है, कि ब्लू बर्ड में सारी ही चीज डाइट थेरेपी स्किन जो भी प्रॉब्लम है वो एक ही जगह क्योर हो जाए। तो मैम ब्लू बर्ड का बहुत बार जिक्र हो गया, और ब्लू बर्ड है क्या बेसिकली अभी तक ये आपने नहीं बताया? ब्लू बर्ड एक क्लिनिक है जिसमें डाइट थेरेपी और स्किन इन तीनों की जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मेन सेंटर पटपड़गंज में है, ठीक है, जिसकी हम फ्रेंचाइजी अलग अलग जगहों पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो अभी ऑल ओवर दिल्ली है, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ठीक है, ताकि ब्लू बर्ड जगह जगह जाए, ताकि पेशेंट को, मैंने हमेशा से ये नोट किया था, मैंने डाइटिशियन का जब कंप्लीट किया था तो मैंने ये नोट किया था कि कुछ लोग थेरेपी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मैं कहते हैं मुझे थेरेपी से क्योर हुआ, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सब आधे अधूरे क्योर होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई तभी से मेरे मन में आया कि कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें सभी चीजें प्रोवाइड की जाए। जैसे मान लीजिए पीसीओएस का पेशेंट है, ठीक है, उसको फेशियल हेयर प्रॉब्लम भी है, उसको गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, ठीक है, और उसको डाइट से भी, हमें क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि उसको डाइट थेरेपी और उसके फेशियल हेयर की प्रॉब्लम जैसे लेजर्स के थ्रू, ठीक है, वो सारी चीजें एक ही जगह प्रोवाइड की जाए। हर्षित मेहरा जी, आप ब्लू बर्ड के पीआर मैनेजर हैं, तो आप इस ब्रांड के बारे में और इनके काम के बारे में बड़े ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो हमें थोड़ा डिटेल में बताइए क्या है। बेसिकली आफ्टर COVID-19 व्हाट वी हैव सीन थ्रू, दिस इज अ वेरी डेलिकेट टाइम फॉर एवरीबॉडी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैक्टर एज वेल। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ अ वर्किंग सेक्टर, जिसमें हम लोग आपको हेल्थ सेक्टर पे पूरी हेल्प करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी गोना वर्क ऑन योर डाइट न्यूट्रिशन, अलॉन्ग विद दैट देयर आर पर्टिकुलर रीजंस जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं आजकल, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती नहीं है जनरली, वो प्रॉब्लम्स थ्रू आयुर्वेदा एंड थ्रू आर थेरेपीज दे कैन बी सॉल्व ऑन अ वेरी इजी नोट, बट उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाफ ऑफ द पीपल डिडंट हैव द नॉलेज एंड हाफ ऑफ द पीपल हैव बीन मिसगाइडेड। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड अ कंपनी व्हिच इज ब्लू बर्ड, इन विच वी गोना ट्रेन the franchisee owners, the trainees and the new students as well for the accomplishment of the health sector. Aur iske andar jitne we can provide you all that in a very reasonable price factor. Along with that, it should not be economically also tough for anybody to afford. So we are working on that sector. एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा, ब्लू बर्ड का जन्म कब हुआ? ये मतलब स्टार्टअप कब से